और दिल्ली में मौजूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को जवाब दिया। कार्यकर्ताओं का बचाव करते हुए मायावती ने कहा कि ये सब एसपी और बीजेपी की जुगलबंदी है, परिजनों को पहले दयाशंकर पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। औरत कहती कि मेरे आदमी ने गलत किया, इससे हम सहमत नहीं है। उसकी माँ कहती कि मेरे बेटे ने ये गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इससे हम सहमत नहीं है। मेरे ख्याल यदि उसी दिन तो दयाशंकर की माँ, उसकी औरत बेटी, तो दयाशंकर के बयान के खिलाफ वो मीडिया में कुछ भी बोल देती तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं नहीं कह रही, वहाँ पे जो मुझे लोगों ने बताया कि लोगों में जो गुस्सा व्याप्त था, तो शायद वो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। बेहतर ये होता कि भारतीय जनता पार्टी को 6 साल की बजाय उसको हमेशा के लिए पार्टी से निकालते, और जो एफआईआर देर रात में बहुजन समाज पार्टी की ओर से वहाँ पे दर्ज की गई है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा जो दर्ज कराई गई है इस घटना को लेकर, बेहतर यही होता कि ये एफआईआर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एफआईआर दर्ज होती। और इतना ही नहीं, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई, स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी बनती थी, वहाँ सपा सरकार है कि इससे बवाल मच सकता है, तो उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। ना बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई उस व्यक्ति के खिलाफ, ना सपा ने कराई, इससे तो उनकी अंदरूनी मिलीभगत साफ नजर आती है।